हेलो तो आज हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में ठीक है तो नेशनल इमरजेंसी क्या कहता है ये आर्टिकल 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी ठीक है अब नेशनल इमरजेंसी कहता क्या है इट डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन यानी ये वॉर कोई किसी कंट्री से वॉर हो जाता है उस पर एक्सटर्नल किसी के दूसरे कंट्री से एक्सटर्नल एग्रेशन होती है उससे या आर्म रेबेलियन कोई आर्म फोर्स कोई रेबेलियन कर दे हमारी कंट्री में उस बेस पे इमरजेंसी प्रोविज़न लगा दिया जाता है ठीक है अब इमरजेंसी प्रोविज़न जो है कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन ठीक है कहता है दोनों हाउस यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस से पास होना चाहिए एक महीने के अंदर ही जब प्रोक्लेमेशन डेट आता है तो उसी के एक महीने के अंदर ही दोनों हाउस से लोकसभा राज्यसभा से पास होना चाहिए तभी इमरजेंसी प्रोविजन लगेगा ठीक नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इफ इट इज अप्रूव बाय द बोथ हाउस द इमरजेंसी प्रोविजन कंटिन्यू फॉर सिक्स मंथ एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इंफिनिटी पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी सिक्स मंथ ठीक है कह रहा है कि ये अगर एक बार अप्रूवल हो गया लोकसभा राज्यसभा से और इमरजेंसी प्रोविज़न लग गई तो वो छः महीने तक कंटिन्यू चलता है ठीक है उसके बाद छः महीने के बाद आपको क्या कह रहा है कि फिर आपको दोबारा से वही प्रोक्लेमेशन लाना पड़ेगा वापस से बिल लोकसभा राज्यसभा में से ला के पास करवानी पड़ेगी उसके बाद फिर से अगले छः महीने तक चलेगा ठीक है और ये कब तक तो चलेगा ये इनफेनाइट अनंत अनलिमिटेड चल सकता है ठीक लेकिन आपको हर छः महीने के अंदर बिल लानी पड़ेगी लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा ठीक अब ये हटता कब है तो ई रिवोक्ड बाई द प्रेसिडेंट एनी टाइम बाई अनदर प्रोक्मेशन ये कभी भी हट जा मतलब जब प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटता है जब हटाना होता है ठीक है लेकिन वो दूसरा बिल लाया जाता है वही लोग हटाने के लिए बिल आ जाता है लोकसभा राज्यसभा में बट इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो ये क्या होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है प्रेसिडेंट जब चाहे जब हटा देगा जब वॉर या कोई इमरजेंसी प्रोविजन जब वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन कोई भी लड़ाई शांत हो जाएगी तब ये हटा दिया जाता है ठीक है अब ये कौन से आर्टिकल देखो इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारा बैन होता है तो कहता है आर्टिकल 358 फिफ्टी एट वेन देयर इज इन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा ठीक तो तब क्या होगा हमारा आर्टिकल 19 क्या होगा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएगा जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमारा राइट टू स्पीच वो हमारा हमें ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा रोक दिया जाएगा ठीक है और जब वापस से इमरजेंसी हटेगी तो हमारा आर्टिकल नाइनटीन हमें वापस से मिल जाएगा ठीक है अब कहता है द प्रेसिडेंट कैन इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन एन इमरजेंसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ठीक है यानी प्रेसिडेंट प्र, खुद से कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाएगा कैसा हो रहा है ऐसा सोच रहा है कि प्रेसिडेंट आज सुबह उठा और कह दिया कि इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं उनके दिमाग में इमरजेंसी है तो इमरजेंसी लगा दिया जाएगा नहीं प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट भेजा जाता है किसके कैबिनेट के द्वारा कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है कौन और उस कैबिनेट को हेड कौन कर रहा होता है यानी प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है यानी आप आप ऐसा समझिए कि यूनियन कैबिनेट है जिसके हेड अभी कर रहे हैं जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है मोदी जी तो यूनियन कैबिनेट है उसके हेड मोदी जी हैं तो मोदी जी मिलकर यूनियन कैबिनेट ने मोदी जी ने भेजा किसको प्रेसिडेंट को यानी द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा कि आप इमरजेंसी प्रोविज़न लगा दीजिए कंट्री में देश में हमारा कुछ हालात ठीक नहीं है जिसके कारण लगा दीजिए तो फिर द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे प्रेसिडेंट है वो जा कर के इमरजेंसी प्रोविज़न लगाएगी ठीक ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद ही जा करके लगा देगा जब तक इधर से यूनियन कैबिनेट से रिक्वेस्ट नहीं आता तब तक के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न नहीं लगा सकते हैं ठीक है अगले बने रहिए वीडियो को अगर पी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेगा थैंक यू ऑल